बहुत ही जो है सुगम सहजता से आप सभी के जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होगा और दो मंत्रों का, विशेष दो मंत्रों का साधना होगा। तो आप सभी के लिए आज की साधना मंगल हो, विशेष अनुष्ठान की प्राप्ति हो, विशेष अनुग्रह की प्राप्ति हो, यह हम भावना भाते हैं। और लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र धारण करें, आरोग्य के लिए और समृद्धि के लिए धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति की समृद्धि के लिए केसरिया वस्त्र का धारण करें, यह जो है आप सभी से विशेष अपेक्षा है। जिन्हें जो करना है वो करे, परंतु कहना मेरा कर्तव्य है, समझाना मेरा कर्तव्य है, और फल पाना चाहते हो तो जरूर जो है यह समृद्धि का विशेष दिन आज, बुद्धि वृद्धि का दिन सार्थक करेंगे। भगवान गौतम गणधर का जो साधना करता है, जो अनुष्ठान करता है, जो जाप करता है, जो पूजा करता है, उसके जीवन में धन समृद्धि, जमीन जायदाद, आरोग्य यश कीर्ति और यशस्विता का पंचम लहराता है। तो गौतम गणधर की रिद्धि आज अक्षुण, आज संध्या के समय एक ऐसे मंत्र का आपको सफलता का जाप करवाऊंगा 108 बार। वो चावल से जाप करना है और वो चावल आज ही प्रयोग करके देख लीजिए। आप घर के अंदर चार लोग हैं तो दो का ही खाना बना दीजिए, उसके चावल डाल दीजिए, देखिए वह चावल इतना जो है अक्षय रूप हो जाएगा, वो सभी का पेट जो है भर जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा वो बच जाए। हजार व्यक्ति का खाना बना रहे हैं शादी ब्याहों में, यह चावल डाल करके वो प्लेट जो है वो ढक दीजिए, पर एक ही विशेषता होता है, वो जब वो ढक्कन पूरा जो है उसको नहीं निकालना, जितना चाहिए थोड़ा सा हटा करके निकाल दीजिए। ये अक्षुण सुख को देने वाला, अक्षय सुख को देने वाला, किसी में शक्ति और सामर्थ्य है वह है गौतम प्रभु के साधना में है। जो बहुत दरिद्री है, जिनके जीवन के अंदर खाने खाने के लिए तरसते हैं, जीवन के समृद्धि के लिए समस्याएं है, जिनके जीवन के अंदर अनेकों कठिनाइयों का, समस्याओं का ढेर लगा हुआ है, जिनके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके जीवन के लिए सफलता नहीं मिल रहा है, वे आज से ही जो है मेरे प्रभु गौतम प्रभु की जो है साधना शुरू करें। देखिए आपके जीवन में न खाने की कमी पड़ेगी, न खिलाने की कमी पड़ेगी, न पहनने की कमी पड़ेगी, न किसी को देने की पहनाने की कमी पड़ेगी। आपके जीवन में अद्भुत अलौकिक अद्वितीय शक्ति का संचार होगा। प्रभु गौतम के नाम पर हिंदुओं के जैसे भगवान गणेश जो है मंगलकारी है, जिन शासन में प्रथम अग्रणी जो है मंगल शासन नायक, जिन शासन प्रभावक गौतम प्रभु जो है आराध्य है। तो आराध्य रिद्धि सिद्धि समृद्धि, और व्यापारी लोगों को, बनिया लोगों को, जिनके दुकान है, व्यवसाय है, फैक्ट्री है, वे जरूर जो है गौतम प्रभु की कुछ साधना करें और कुछ आराधना करें, तो निश्चित रूपे में सफलता प्राप्त होगा, ये भावना भाते हुए आज हम विशेष साधना कराएंगे संध्या के समय पर। जिन्हें जिन्हें भी करना है साधना, वो 11 दीपक लगाए और हिंडा झटा दीजिए, और हम यहाँ जो है हिंडा झटा, यहाँ नवग्रह तीर्थ में किसी को अपने दीपक लगाना है, 11 आदमी की आवश्यकता है, केवल केवल 900 रुपए, नवग्रह 900 रुपए रखा, 11 आदमी की आवश्यकता है, और वह अखंड दीप जलेंगे और अखंड सुख को प्रदान करेंगे, आपकी रिद्धि समृद्धि आरोग्यता को प्रदान करेंगे। आइए ऐसे कौन महानुभाव है, जल्दी से हैंडराज करिए, जिनके नाम पर केवल अभी 4 की जरूरत है, आगे नाम आ गए और 4 की जरूरत है, 6 हो गए, 2 की जरूरत है, बस अभी नाम को कर रहा हूँ, 2 की जरूरत है। दीपक उनको दिखाते जाए, दीपक घाटकों पर, मिनल दीपक कोटड़िया, अजय अमित सुरेखा पाटिल, रोहिणी जितेंद्र सिद्धांत,
डॉक्टर सानंद सोनन अध्यम गणोकर चेतना संजय हो गए, नाम हो गए बस, अब ज्यादा नहीं दे। चेतना संजय मिंडा, विजय जैन, आशा मुकेश जी और पुष्पदंत विनोद साहू जी, बहुत हो गए, इतने नाम आ चुके, बहुत ना गया, ज्यादा नाम आ चुके, बस काफी नाम इतना। तो आइए आपकी साधना आज बहुत विशेष साधना करके जीवंता को सफलता का कुंजी हाथ में प्राप्त करेंगे। और आज हम बात करते हैं आत्मकथा। अपनी आत्मकथा सुनाते हुए, मैं चुल्लक था, सोनागरी के अंदर प्रवास रत था, और वहां लगभग पांच आचार्य थे। पांच आचार्यों का सानिध्य मिला था वहां, जो है आचार्य विमल सागर जी थे, गणाधिपति गणधर आचार्य कुंत सागर जी थे, आचार्य सुपार्श्व सर थे, और आचार्य विराग सागर जी भी थे। ऐसे पांच आचार्यों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और दिन भर जो है स्वाध्याय चलता था, ग्रंथों का अध्ययन चलता था। ध्यान रखिए, कभी भी जीवन के अंदर अज्ञान रहना स्वीकारना, परंतु किसी पंडित और पुरोहित के चक्कर में, किसी पंडितों के अध्ययन के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। पंडितों ब्रह्मचारियों का जो अध्ययन है वो अपूर्ण और अधूरा रहता है और स्वार्थपूर्ण रहता है, परंतु स्वाध्याय करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो निर्ग्रंथों के चरणों में सत्यार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा कभी भी ओखल पंडितों के चक्करों में जीवन को बर्बाद मत करना। मुझे कभी कभी दुख और लोगों पर हंसी आती है, जहां सबको जिन्होंने त्यागा है और सत्यार्थ मार्ग पर चल पड़े, ऐसे स्वतः अपने जिनवाने को जीवन स्वरूप कर लिया है, ऐसे निर्ग्रंथ ग्रंथों को जिन्होंने रग रग में उतार लिया है, ऐसे ग्रंथों को, जैन जिन शासन के ग्रंथों को जीवन में आचरण कर लिया है, उनसे पढ़ने के बजाय जो सब कुछ करते हैं, सब कुछ क्रोध मांस युक्त है, संसार में से रचे हुए हैं, उन पोकने पंडितों से पढ़ के अपने आप को भाग्यवान कैसे समझते पता नहीं। कई महामूर्ख लोग हैं, कई ऐसे पंडित लोग हैं, चुपड़ी चौपड़ी बातें करते हैं और लोगों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थ के अनर्थ शास्त्रों के अर्थ के अनर्थ कर देते हैं, और अपने जीवन में कभी भी पंडितों से पढ़ाई करने का कभी भी उपक्रम नहीं किया। एक आधो बार पढ़ा, पंडित लोग भाग गए मेरे कौशल, मेरे विचारधारा से। एक पंडित मुझे संस्कृत पढ़ाने आया, हर एक दो महीने के बाद वो बोलता था, दो श्लोक में कंठ पाठ करता था 10। उसको लगा अगर इनको जल्दी से खत्म कर दो तो मेरी इनकम ही नहीं प्राप्त होगा, तो भाग गया। तो कहने का तात्पर्य, अनेकों आशाओं अनेकों भावनाओं से रहते हैं पंडित लोग, उसके चक्करों में ना आए, उससे अच्छा अज्ञान रहना प्रयास से करेगा। गुरु वाक्यम प्रमाणम, आनम तानम कछु न जानम, सेठ वचनम प्रमाणम के माध्यम से जो अंजन चोर था, संकटों से ग्रसित था, और जब वह देखा एक शमशान के अंदर एक व्यक्ति ऊपर जा रहा है, पेड़ के ऊपर नीचे उतर रहा है, और शिखा पर बैठ करके घबरा करके नीचे आता है, तो पूछा, बोले ये क्या कर रहे? बोले जिंदत ने बताया, इस शिखा पर बैठ करके, शिखा को जो काट देता है वह से आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो जाती है, आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो जाती है, और इच्छित मनो अनिच्छित मन भावनाओं के अनुसार यह आकाश के अंदर प्रयाण होता है। तो बड़ा ही तुम आकुलित क्यों दिख रहे हो? तो उसने कहा,
मैं घबरा रहा हूं कि शिखा को तोड़ दूं और कहीं गिर जाऊं और वह शिखाए वो नीचे जो है अस्त्र शस्त्र भाले तलवार आदि लटक रहे हैं उसके अंदर मेरा प्राण चला जाए, इसलिए घबरा रहा। उसमें हट निकल जा, बोल मैं बजाता हूँ देखता हूँ। उन्होंने कहा बोल क्या मंत्र बोलना है? बोल नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयिर्यानम, नमो उज्जय, नमो लोभे सवसौनम। उन्हें बोले नमोकार मंत्र जप कर लेना। वो तो चोर था, मंत्र से अनभिज्ञ था और घबराया हुआ था, चोरी करके भागा था। और वो ऐसे कैसे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद तलवार हाथ में लेकर के शिखा तोड़ने गया तो मंत्र जो है भूल गया। मंत्र भूलना कोई बात नहीं, उन्हें कहा आनम तानम कछु न जानम, मैं आगे पीछे कुछ नहीं जानता हूं, सेठ वचन जो सेठ ने मंत्र दिया है वही मेरे लिए वही मंत्र है करके उसने तोड़ा। तुरंत आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई और जो है अकृत्रिम चैताल में जिन दत्त सेठ जी बैठे थे वहां पहुंच गया। वहां जिन दत्त सेठ जी अकृत्रिम चैताल में जिन वंदन करते थे उस समय जो है अद्भुत अलौकिक चैताल्य को देख करके मन अभिभूत हुआ और तुरंत उसने जिन प्रतिमा के सामने जिनेश्वरी दीक्षा लिया और तुरंत जो है अंजन से निरंजन बन गया और उसी समय मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। इसी प्रकार शिवभूति मुनि का कथा भगवती आराधना मरण कंडिका आदि के अंदर प्राप्त होता है। एक मुनिराज जो है बड़े अज्ञानी थे, उनको जो भी पढ़ाया जाता था वो भूल जाते थे। गुरु ने अनेकों प्रकार के उपदेश दिए परंतु आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट हो जाता था। अंतोगत्वा जो है उनको एक बात सिखाई, आत्मा अलग है शरीर अलग है। संस्कृत में सिखाया आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। तो वह उतना पाठ करते करते आगे पहुंचे वो भी भूल गए और भूलने के बाद एक महिलाएं जो है धान को अपने उसकी छाल से धान को अलग कर रही थी। वो मुनिराज ने उसको देखा और तुष्मास अभिन्नम शब्द उसके दिमाग में आए, जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, देह अलग है, आत्मा अलग है। इस प्रकार की आत्मबोधना के बाद तत्क्षण जो है वह उसी समय मोक्ष को सिधार। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई ज्ञान गुरु नहीं मिलते हैं। अज्ञान का एक या अबोध और पंडितों के चक्कर में कभी न पड़ना। कई ऐसे पंडित मैंने अपने जीवन के अंदर देखे हैं, बिना मुहूर्त के मुहूर्त बता देते हैं क्योंकि उन्हें अपने के अनुसार अपने लाभ उठाना होता है। तो बंधु आप सभी के जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जहां भी जिधर भी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जरूर स्वाध्याय कर लेना, गुरु के बताए मार्ग पर अनुसरण करना, गुरु से निकला हुआ शास्त्र आपके लिए जीवन कार्य बनता है। स्वाध्याय इति स्वाध्याय, अपने जीवन को, अपने चर्या को, अपने चरित्र को अध्ययन करने का एक मौका मिलता है स्वाध्याय के माध्यम से। तो आप सभी अपने जीवन के अंदर समृद्धिशाली बने, आरोग्यशाली बने, यशस्वी बने ये भावना भाते हुए, और स्वाध्याय क्रमे करना, गरिष्ठ अद्वा तद्वा मत करना। हम स्वाध्याय कैसे करें, किस प्रकार करें, तो मैं कल बताऊंगा। आज समय बहुत हो चुका है और आपसे एक निवेदन जाते जाते मैं करना चाहूंगा कि मैं कल विहार कर रहा हूं बस्तवाड़ के अंदर। बस्तवाड़ के अंदर पहुंच रहे 22
और 23-24 2 दिन कार्यक्रम है। वहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, शिलान्यास और उसकी प्रतिष्ठा की विधि है, उसके बाद आऊंगा। और 13 तारीख को कर्नाटक के सभी भट्टारों का सम्मेलन है, और 14 तारीख को सभी श्रावकों का चिंतन मंथन बैठक मीटिंग है, जिसमें आने को विचारधारा है आप सबको समाज के उद्धार के लिए दिया जाएगा। और होने वाली महामस्तकाभिषेक जनवरी के अंदर होने वाली महामस्तकाभिषेक की पूर्णतः तैयारी का विशेष जो है अनुष्ठान जाएगा, और जनवरी की जो प्रतिष्ठा है उसके अनेकों कार्य के कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। तो आप सभी से कहना ये है कि आप सभी लोग विशेष जो है भाग ले, और इस अनुष्ठान के अंदर भाग लेकर के जीवन को सार्थक, अपने जीवन के अंदर 405 सुमेरु पर्वत का, पंच कल्याण प्रतिष्ठा का साक्षी बन करके, और अपने जीवन को कृतार्थ करें, यह भावना भाते हुए आप सभी जो है सकल कार्य की सिद्धि हेतु, जीवन उद्धार हेतु, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव विशेष जो है महाउत्सव बनाने के लिए तन मन धन से जुड़े, ऐसी भावना भाते हुए आज जो भी लोग नवग्रह जूम पर 550 घर जुड़े हैं, उन सभी के नाम पर, उन सभी के परिवार के नाम पर जो है आज की शांति रहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकरा द्वादश वनस्पति पवित्रा सर्वज्ञ स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय परम सुखाय तिलकानंद दर्शन अनंत विराण सुखानंद कानंद दर्शन अनंत वसंतिका श्राव श्राविका श्री गुरुधर नंदी नाम दिए नाम बोलिए स्वानंद जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सुनील पन्ना, मयंक वनिता कोठड़िया परिवार से, मिनल दीपक कोठड़िया परिवार से, अजय सुरेखा पाटिल मिरज परिवार से, रोहिणी उपाध्याय परिवार से, चेतना संजय मेंढा परिवार से, विनय जैन रिकॉर्डिंग लखवानी स्टार्ट। परिवार से, अपूर्व जैन उदयपुर परिवार से, पुष्पदन साहू जी औरंगाबाद परिवार से, शशि जैन गुरुग्राम परिवार से, नीतिमती माताजी संघ से, मिनल दीपक कोठड़िया परिवार से, उल्का संजय पड़े परिवार से।